हाँ गुड इवनिंग सबको बेटा। हाँ ऐड हो जाइए। देखिए लास्ट क्लास में लाइव प्रोसेस का हमने लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हमें बेटा लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है, ठीक है ना। हमने डिस्कस क्या कर लिया था, स्टेप इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, हमने 5 स्टेप डिस्कस कर लिया था, और फोटोसिंथेसिस मैंने पढ़ा दिया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, 5 टर्म एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों चलिए लेट्स स्टार्ट क्लास। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग भैया चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस हमें नहीं सुनाई देगी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। टुडे इज लेक्चर नंबर 3 लाइव प्रोसेसेस फॉर क्लास 10 सीबीएसई। टुडे विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन होलोजोइक एनिमल्स। होलोजोइक एनिमल्स जो बेटा सेमी सॉलिड फूड पर डिपेंड होते हैं, जो फूड को लिक्विड में मिक्स करके इंगल्फ करते हैं, निगलते हैं, सॉलो करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है और उससे उनके बॉडी में एब्जॉर्प्शन होने के बाद एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, मींस यूटिलाइजेशन होता है। देखिए सबसे फर्स्ट जो एनिमल्स आपको स्टडी करना आपके सिलेबस में है, न्यूट्रिशन इन इन अमीबा। देखिए अमीबा हो चाहे पैरामीशियम हो, सब में बेटा सेम होती प्रोसेस। देखिए अमीबा के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट आप समझ लीजिए कि अमीबा है क्या। सब लोग जानते होंगे अमीबा क्या है। अमीबा क्या है, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर और कहाँ रहता है, वाटर में रहता है, एक्वेटिक मोस्ट सिंपलेस्ट होलोजोइक एनिमल। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अमीबा। अमीबा क्या होता है, सबसे छोटा यूनिसेलुलर है, और एक चीज और लिख सकते हैं आप कि ये यूकैरियोट्स है। यूनिसेलुलर में क्या है, यूकैरियोट्स है, इसमें न्यूक्लियस होता, तो एक पॉइंट और यहां मेंशन कर दीजिए, यूकैरियोट। यूकैरियोट्स का मतलब आप जानते होंगे, क्लास 9 पढ़ा होगा आपने सेल में, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है उसे यूकैरियोट, और जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोकैरियोट्स। जैसे बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स। अमीबा क्या है, यूकैरियोट्स। इसमें और भी एग्जांपल हो सकते हैं यूनिसेलुलर में, पैरामीशियम, युगलीना, ना नेम सुना होगा आपने, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका। यूनिसेलुलर में डाइजेशन मतलब न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है, तो आपको अमीबा की याद रखना है। देखिए बेटा होता क्या है, होलोजोइक एनिमल है तो इसमें कितने स्टेप्स होंगे, 5 स्टेप्स होंगे। कितने स्टेप्स होंगे, 5 स्टेप्स होंगे न्यूट्रिशन में, 5 स्टेप्स इन न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा या इन अमीबा। देखिए अमीबा में कौन कौन से स्टेप होंगे, फर्स्ट स्टेप जस्ट लाइक ह्यूमन की तरह होता है, क्योंकि होलोजोइक है ना, तो होलोजोइक में 5 स्टेप्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट बेटा होता है इन जैसा
जैसे मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। अब देखिए अमीबा में ये प्रोसेस भाई सिंपलर है, यूनिसेलर है। किस स्ट्रक्चर के थ्रू होता बच्चों, आप यहां लिख लीजिएगा बाय सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। देखिए सीडो का मतलब होता है फॉल्स, अब पोडिया मतलब होता है फीट, इसी को आप पोडियम लिख देंगे ना, पोडियम PODIUM, तो सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। पोडिया क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पोडिया लिखा हुआ है यानी कि फॉल्स, अब पोडियम होता तो इसका मतलब फूड, अब पोडिया लिखा इसका मतलब फीट, फूड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फीट होता है, तो फॉल्स फीट के थ्रू होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, पॉइंट्स शुड बी नोटेड, सीडोपोडिया। अब देखिए ये कैसे होता है, ध्यान समझिएगा, इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में बताता हूँ। देखो अमीबा कोई डायग्राम नहीं होता है, चाहे आप जैसे बना दीजिए, ये अमीबा हो गया। अमीबा में क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है सेंटर में, न्यूक्लियस एनिमल है नहीं, ये एनिमल के जो सेल्स होते हैं उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और प्लांट में, प्लांट के सेल में न्यूक्लियस साइड में होता है, किनारे होता है, जिसे हम लोग पेरिफेरल न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके बेटा, जरा याद रखिएगा, सब पॉइंट याद रखना चाहिए। प्लांट सेल में पेरिफेरी न्यूक्लियस होता है या पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है, किनारे होता है साइड में, और एनिमल में कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। और क्या होता है, इसमें लिक्विड फिलअप रहता है, ये देखिए, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब देखिए इसमें इंजेक्शन कैसे होता है, मान ली कोई फूड है, फूड ऐसा क्या होगा, जो एल्गी जो होते हैं ना छोटे छोटे काई, उसी खाता अमीबा। ये मान लीजिए छोटा सा फूड है, ये देखिए ये फूड है, तो फूड को करता क्या बेटा ना, जो इसका ये जो स्ट्रक्चर बना है इस तरीके से, देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बच्चों कहा जाता है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया यही है जो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर करता क्या, धीमे धीमे इसको कैप्चर कर लेता, पकड़ लेता है, ठीक है ना, इस तरीके से। देखिए देखिए यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान समझिए। देखिए एज्यूम करिए कि अमीबा है, तो फूड जो ये बाहर पड़ा था वाटर में होगा, एल्गी काई जिसको बोलते हैं, तो बेटा ये धीमे 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 जो फिंगर दोनों है ना इसके, इसको इस तरीके से कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं इसको। देखिए इस तरीके से ये धीमे धीमे यहाँ पर ऐसे मूव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये इस तरीके से समझिए, ये देखिए ये फूड आ गया इसके अंदर, हो गया इंजेक्शन। तो इंजेक्शन आप बताइए किस स्ट्रक्चर से हो रहा है, बताइए। जैसे आप कहा जाए कि इंजेक्शन इन अमीबा, बताइए सब लोग, आज शुभम ने क्या पूछा, सर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस होता है लेकिन उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो न्यूक्लियस भी डेवलप नहीं होता, अनडेवलप होता है या अनडिफाइंड बोलते हैं, तो उसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक भैया। हाँ सीडोपोडिया, वेरी गुड। तो देखिए सीडोपोडिया से इंजेक्शन हो गया, अब जरा ध्यान दीजिएगा सेकेंड डाइजेशन, सेकेंड हेडिंग लिखिए डाइजेशन। देखिए डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक फूड फूड पार्टिकल या स्मॉलर पार्टिकल विच कैन बी इजिली
एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो कॉम्प्लेक्स फूड का इसमें कन्वर्ट होना है, सिंपलर में कन्वर्ट होना है, जस्ट लाइक ह्यूमन। ह्यूमन इसमें डेफिनेशन सब सेम है, कोई बेटा उसमें डिफरेंस नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये भी होलो जो एक ह्यूमन भी होलो जो एक। देखिए डाइजेशन कैसे होता है बेटा, जब ये कैप्चर हो जाता है फूड, ये जो वॉल दिख रही है ना चारों तरफ की, अच्छा बाउंड्री क्या कहेंगे इसको, बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, पूरी कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन, और जहां पे इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा उसे सीडोपोडिया। तो सेल मेम्ब्रेन से ही सीडोपोडिया फॉर्म होता है, कोई नया इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, बस ये कैसे हो जाते हैं, इनफोल्डेड हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है ना, जो मेम्ब्रेन है दोनों बेटा ऐड हो जाती है, यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। जब क्लोज कर लेंगे तो कैसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऐसे, ये देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, इट इज न्यूक्लियस। अब फूड कहाँ चला है बताइए, अमीबा के सेल के अंदर चला है, ये देखिए ये चला है, ये फूड आ गए। तो यहाँ देखो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ध्यान दीजिएगा ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर को बेटा नाम होता है फूड वैक्यूल। तो फूड कहाँ चला है, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल को आप एज्यूम कर सकते हैं जस्ट लाइक स्टमक, जैसे आपका स्टमक है जस्ट लाइक उसी तरह ये अमीबा के अंदर वर्क करता है, कौन फूड वैक्यूल। अब देखिए इस फूड वैक्यूल में क्या होते हैं, एंजाइम सिक्रेट होते हैं, इसमें क्या सिक्रेट होता है एंजाइम, कौन सा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। और एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन करना, इसका जो फूड है बेटा वो डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, तो डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है बताइए आप लोग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डाइजेशन कहाँ होता है, इसका आंसर होगा फूड वैक्यूम। ये देखिए इसको नोट कर लीजिए, इन फूड वैक्यूम किसके थ्रू होता है, तो बाई एंजाइम्स, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ओके। फूड वैक्यूल को कभी कभी फूड कप भी कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा नॉलेज के लिए, फूड वैक्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज फूड कप, और क्या बोलते हैं बच्चों, फूड कप, फूड कप, CUP कप, जैसे चाय पीते हैं कप की स्पेलिंग सेम है, नोट करिए। ओके, आगे बढ़े, यस सर, ठीक श्रिया। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग थर्ड, एब्जॉर्प्शन। बताइए एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा बच्चों, रिप्लाई करिए आप लोग, सोचिए यहाँ फूड डाइजेस्ट हो गया, यहाँ साइटोप्लाज्म फिलअप है चारों तरफ, बताइए इसमें एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म है, बताइए रिप्लाई करिए। चलिए किसने रिप्लाई किया, साइटोप्लाज्म, वेरी गुड। बेटा अमीबा में क्या होता है, जब फूड यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, देखिए यहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, अब इसमें कोई ऑर्गन तो है नहीं अमीबा में, यूनिसेलर एक सेल का बहुत छोटा है, यहाँ से डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म में, देखिए ये डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है इसका, ये देखिए। तो पार्टिकल क्या हो गया बच्चों, पार्टिकल कह रहे हैं जो डाइजेस्टेड फूड है यानी न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यानी देखिए पूरी प्रोसेस हम लोग की तरह होती है लेकिन सिंपल होती है, ओके, नोट करिए यहां पर, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, फूड
इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। किस प्रोसेस से? नोट करिए, बाय डिफ्यूजन। देखिए बेटा, दो प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या सेल में, सेल में समझिए आप, बॉडी में इतना समझिए। एक होता ऑस्मोसिस, एक होता डिफ्यूजन। दोनों में डिफरेंस समझते हैं? एक ऑस्मोसिस होता है, एक होता है डिफ्यूजन। क्या डिफरेंस है दोनों में बच्चों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? या हमने लिखा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्यों नहीं लिखा? जानते हैं आप लोग? देखिए, जब बेटा वाटर, वाटर का जब मेम्ब्रेन को पार, जैसे हमारे यहाँ पानी है भाई, पानी में तो रहता अमीबा, तो वाटर जब इंटर करेगा इसके मेम्ब्रेन को पार करके अंदर, अगर वाटर आ गया तो उसे बोलेंगे ऑस्मोसिस। वेरी गुड, श्रेया ने रिप्लाई किया, ऑस्मोसिस में थ्रू परमेबल मेम्ब्रेन, सही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं? जो बेटा ये जो बाउंड्री है इसको क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है बताइए आप? सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, याद रखिएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें से हाफ हाफ तो इंटर करते हैं पार्टिकल और हाफ को वो नहीं जाने देता है, एंट्री को रोक देता है। सेमी माने हाफ, अगर 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं तो 50 को एंट्री करने देगा, 50 को रोक देगा, उसे सिंपल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी मतलब नाम से पता चल रहा, हाफ, परमेबल मतलब जो पास आउट करने दे या पास इन करने दे या पास आउट करने दे मेम्ब्रेन। तो देखिए, जब बेटा वाटर की बात की जाएगी तो ऑस्मोसिस लिखा जाएगा। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। यानी जब सॉल्वेंट की बात की जाएगी, ऐसे आप याद करिए, सॉल्वेंट मतलब वाटर की बात की जाएगी तो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर के लिए यूज किया जाता है, ओनली यूज फॉर वाटर, याद रखिएगा। और वाटर के अलावा जितनी भी चीजें सेल्स में एंट्री करें या बाहर जाएं, यानी मेनली किस लिए यूज करा जाता है? सॉल्यूट के लिए। किसके बच्चों यूज करते हैं? सॉल्यूट, यानी जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए, अगर वो पार कर रहा सेल के अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा, तो उसे वो डिफ्यूजन करते हैं। ओके, ये बात जरा याद रखिएगा। तो चलिए, एब्जॉर्प्शन कोई डायग्राम नहीं है, समझ में आ गया होगा। फोर्थ बेटा क्या होता है? एसिमिलेशन। फोर्थ हेडिंग एसिमिलेशन। देखिए, एसिमिलेशन कोई डायग्राम नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब यहां से डाइजेस्टेड फूड का मतलब थोड़ा समझिए, डाइजेस्टेड फूड का एक्चुअली मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है ना? और क्या होगा? जो भी खाएगा, मान लो उसमें प्रोटीन है तो फैट से कार्बोहाइड्रेट वो भी ब्रेक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो ग्लूकोज बनाता है। लेकिन मेन हमको यहाँ किसको हाईलाइट करना है? ग्लूकोज को। प्रोटीन फैट्स भी हो सकता है, लेकिन मेनली क्या है? ग्लूकोज। अब देखिए, एसिमिलेशन मतलब होता है यूटिलाइजेशन होना, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड इन वेरियस वाइटल फंक्शंस या मेटाबोलिक फंक्शन दिखिए, मेटाबोलिक फंक्शन। तो बताइए, अमीबा मेन फंक्शन क्या है भाई? ऐसा थोड़ी इसके हाथ पैर तो है नहीं कि ये लंग्स है तो हार्ट है, फंक्शन बहुत छोटा है, यूनिसेलुलर। इसमें मेन फंक्शन क्या आपको लगता है, क्या होना चाहिए बताइए? मेन अमीबा में कौन सा फंक्शन होता होगा? देखिए, किसने रिप्लाई किया? मूवमेंट। वेरी गुड, शुभम ने रिप्लाई किया, मूवमेंट होता है सर। और बताइए, और देखिए जो सबसे मेन बच्चों है वो है सेल डिवीजन, ध्यान दीजिएगा, सेल डिवीजन। तो मेन जो एनर्जी यूज करता है वो सेल डिवीजन में करता है, मूवमेंट में करता है, बाकी देखिए इसके अंदर डाइजेशन भी हो रहा है। तो
बहुत सारे फंक्शन होते हैं। देखिए इसमें डाइजेशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, मूवमेंट भी होता है, सेल डिवीजन भी होता है। तो सेल डिवीजन के लिए एनर्जी तो चाहिए, लेकिन साथ में और क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन जब डाइजेस्ट होगा तो इम्यूनो एसिड फॉर्म होता है, उसका भी यूज होता है सेल डिवीजन। और बाकी ग्लूकोज तो हर फंक्शन में जरूरी है, एनर्जी रहेगी तभी तो फंक्शन होगा। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई भैया सबको, रिप्लाई करिए। क्लियर? ओके बच्चे, गुड। चलिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है। इसमें फाइव स्टेप्स होते हैं ना न्यूट्रिशन में, होलोजोइक में। देखिए फिफ्थ स्टेप डाइजेशन, डाइजेशन जैसा। देखिए जब जो भी फूड बॉडी में जाता है पूरा डाइजेस्ट तो होता नहीं, सबको पता, मैंने बताया था। ह्यूमन में भी 20% डाइजेस्ट होता है और अमीबा में भी नियर अबाउट इसी के अप्रॉक्स होता है, कम होता है, 20 भी नहीं होता, 20% से भी लेस समझ लिया आप, अप्रॉक्स 20 मान सकते हैं। अब देखो बेटा इसमें होता क्या है कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो नहीं पच पाया, तो कहाँ पे होगा ये बताइए? फ्रॉम फूड वैक्यूल इनटू एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल वाटर बॉडीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर में रहता ही है, इज कॉल्ड एज इजेशन। अब देखिए इजेशन किस स्ट्रक्चर से होगा बताइए? इजेशन इज डन बाई, बताइए क्या आंसर लिखेंगे? बताइए किसका रिप्लाई है? सीडोपोडिया। बेटा सीडोपोडिया कैच करेगा ना, सीडोपोडिया तो बाहर होता ना बेटा, देखो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ देखिए सीडोपोडिया तो फूड को कैच कर रहा है, ये देखिए पकड़ के अंदर ले जा रहा है, अंदर से बाहर कौन फेंकेगा ये बताइए? क्या आंसर आया? फूड वैक्यूल। नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, होता है बाय बॉडी सरफेस। तो देखिए बॉडी सरफेस भाई, इसका सरफेस तो होता नहीं है, बोल दिया जाता है। एक्सिस का मतलब हुआ सेल मेम्ब्रेन, बाय सेल मेम्ब्रेन। देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे ये देखिए अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, देखिए ये इसमें फूड है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये कैसा फूड है? अनडाइजेस्टेड फूड है। अब देखिए पहले क्या हुआ था, पहले जब ये फूड वैक्यूल बना था तो कैसे बना था? सीडोपोडिया ने इसको ऐसे कैच कर लिया था ना, अभी इसका नाम क्या है? फूड वैक्यूल। अभी क्या होता है कि ना, जब ये ओपन हो गया, ध्यान समझिएगा, जब ओपन होता बच्चों, जो फूड वैक्यूल था ना, जो अंदर साइड ऐसे ऐसे मुड़ा है, ये देखिए इस तरीके से, अब जब ये ओपन होता तो यहाँ पर सरफेस सीधा हो जाती है, ऐसे देखिए ये, ये देखिए तो जो फूड वैक्यूल जब ओपन होगा तो क्या होगा? धीमे 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 जब ये सीधा होगा तो फूड पुश आउट किया जाएगा, इससे बाहर पुश किया जाएगा। देखिए फूड चला है, ये देखिए ये फूड बाहर चला गया बॉडी के और ये रिमूव हो गया। देखिए जब जब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, जब कोई सीधा हो गया ना, अब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो इसे बेटा लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या बॉडी सरफेस। बातें समझ में आई?
जब यहाँ का मेम्ब्रेन सीधा हो जाए, इसको सीधा ही बना दीजिए स्टेट, तो इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन और बॉडी सरफेस बोलते हैं, और जब ये फिंगर लाइक हो जाएगा तो उसे सीडोपोडिया बोलते हैं। ओके ठीक, शुभम। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि अमीबा में 5 स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं। इसी तरह बेटा पैरामीशियम में भी होता है, ठीक है ना। पैरामीशियम भी जस्ट लाइक 5 स्टेप्स होते हैं। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन नोट करिएगा होमवर्क के लिए। ब्रीफली एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम। देखो बेटा, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लीना ना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये सब सेम फैमिली का फैमिली के हैं, ठीक है ना। प्रोटोजोवा इन्हें बोला जाता है, और सारे यूनिसेलर होते हैं, तो सब में न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी सेम होता है। एक से थोड़ा सा आप नोट में चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हैं, एक नॉलेज के लिए आपको लिखवा दें, ताकि एग्जामिनेशन और हम पीटी वैसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा केवल एक ऐसा एनिमल होता है यूनिसेलर, यानी अमीबा के फाइलम का होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, बता सकते हैं कौन सा है। नेम आई यूनिसेलर एनिमल्स इन विच प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, पता आप लोगों को। रिप्लाई है एल्गी। एल्गी बेटा एनिमल थोड़ी है, एल्गी तो काई होता है, प्लांट है, ग्रीन प्लांट है वो, ठीक है ना। किसने रिप्लाई किया? अच्छा किसी ने। देखो बेटा नोट में लिख लीजिए, युग्लीना, ठीक है। युग्लीना बेटा एक ऐसा एनिमल होता है, नोट कर लीजिए, युग्लीना कैसा है, यूनिसेलर एनिमल, मतलब प्रोटोजोआ होता है ये। यूनिसेलर एनिमल मतलब प्रोटोजोआ है, क्या है बच्चों, प्रोटो जोवा फैमिली का है, इसे प्रोटोजोन्स कहते हैं। अमीबा, देखिए अमीबा का जो पूरा परिवार है उसे प्रोटोजोआ, और स्पेशली अमीबा क्या कहेंगे, प्रोटोजोन कहेंगे, ठीक है ना। थोड़ा वेट करें, कहाँ जा रही बच्चा, पीछे जा रही हो क्या? ओके तो नोट कर लीजिए, यूनिसेलर है, प्रोटोजोआ है, और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें बच्चों, इसमें क्लोरोफिल होता है, नोट कर लीजिए, हैस क्लोरोफिल। तो बताइए जब क्लोरोफिल होगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, सो इट इज कॉल्ड एज लिंक बिटवीन। युग्लीना क्या बोला जाता है, लिंक बिटवीन, ओके पेन कहाँ से, रेड पेन, चलिए युग्लीना इज कॉल्ड एज लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप कभी कहा जाए बताइए कौन प्लांट और एनिमल दोनों है, आप आंसर होगा युग्लीना, ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, चलो अभी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे, फिर पहले हम लोग स्टडी करने सिलेबस अपना, फिर मैं आप लोगों को काफी डीपली बताऊंगा, ठीक है भैया। तो पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अभी बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ने पर डिस्टर्ब हुआ कॉन्सेप्ट। आप देखिए यूनिसेलर कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आपको रिप्लाई करना है, होमवर्क है आप लोग का, इट इज योर होमवर्क।
अब नेक्स्ट राइटिंग लिखिएगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। नेक्स्ट राइटिंग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन ठीक है। पहले आप ह्यूमन के बारे में समझिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ह्यूमन को कैसे डिफाइन करेंगे, हु इज ह्यूमन, बताइए डिफाइन करिए। देखिए अमीबा में क्या लिखा था याद करिए, अमीबा में लिखा था डेफिनेशन में इट इज स्मॉलेस्ट यूनिसेलर एक्वेटिक यूकैरियोट्स मोस्ट सिंपलेस्ट होलोजोइक एनिमल। तो ह्यूमन आप सोचिए क्या है, लार्जेस्ट तो नहीं है भाई, सबसे लार्जेस्ट तो टेरेस्ट्रियल अर्थ पे कौन है, एलिफेंट है, और अर्थ पे सबसे बड़ा कौन है, तो वेल होगा। ओके एक्वेटिक कहा जाए तब भी आंसर होगा वेल सबसे बड़ा। ओके लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा होता है। ओके दोनों में डिफरेंस है, जैसे नर्व सेल क्या होती है, लंबी होती है, और कहा जाए कि सबसे बड़ी सेल बताइए ह्यूमन बॉडी में, तो एग होता है। ह्यूमन के फीमेल के अंदर जो एग बनता है या ओवम बनता है ओवरी में, दैट इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी, सबसे लंबी, तो नर्व सेल होती है, सब जानते होंगे। सबसे छोटी सेल कौन है अगर आपसे कहा जाए, पता आपको? हाँ बेटा ठीक बेटा, मोस्ट डेवलप मल्टी न्यूक्लियर होलोजोइक एनिमल, हाँ यही ह्यूमन की डेफिनेशन हो। सबसे छोटी सेल का नाम बताइए बेटा, सबसे छोटी सेल कौन सी है, आरबीसी स्मॉलेस्ट सेल, आरबीसी होती सबसे छोटी। और सबसे छोटा मैं एनिमल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ स्मॉलेस्ट सेल, तो पीपीएलओ होता है, ठीक है ना, ड्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, तो माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ सेम समझिए आप। ठीक है खैर आइए ह्यूमन पढ़ते हैं, देखो क्या लिखेंगे, इट इज मोस्ट डेवलप मल्टीसेलर टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और क्या बच्चों, यूकैरियोट है, हम लोग के बॉडी में न्यूक्लियस होता है सेल में, और क्या है हम लोग होलोजोइक हैं, और क्या है एनिमल्स हैं, होलोजोइक एनिमल्स ऑन द अर्थ, नोट कर लीजिए। देखिए कौन से एनिमल सबसे डेवलप है, इसका मेन बेस क्या है, कैसे पता करते हैं कि ह्यूमन क्यों मोस्ट डेवलप बोलते हैं, पता है आपको, हाउ कैन यू डिफाइन दैट ह्यूमन इज द मोस्ट डेवलप एनिमल। भाई हाथी का साइज तो बहुत बड़ा है, वो डेवलप नहीं कहा जाता, तो डेवलपमेंट किसके बेस पे बोला जाता है कि मोस्ट डेवलप है ह्यूमन, बताइए। आपके बॉडी में, हम लोग बॉडी में ऐसी कौन सा ऑर्गन है या क्या ऐसा स्ट्रक्चर है कि हम लोग मोस्ट डेवलप, हम लोग भी तो कॉमन है, एलिफेंट तो साइज बहुत बड़ी, उसको नहीं बोलते मोस्ट डेवलप, वेल को नहीं कहते। देखिए ध्यान समझिए बेटा, डेवलपमेंट जो देखा जाता है बायो के अकॉर्डिंग, मोस्ट डेवलप क्यों कहते हैं, एक्चुअली में डेवलपमेंट का मेन बेस ब्रेन होता है, ब्रेन, तो ब्रेन किसका मोस्ट डेवलप बताइए, ब्रेन जो है ह्यूमन का, ब्रेन जो ह्यूमन में होता है वो मोस्ट डेवलप है। ओके ऐसा ब्रेन होता है ह्यूमन में, मोस्ट डेवलप ब्रेन होता है।
ब्रेन में सेरिब्रम होता है, उसमें भी फोर पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं, उसके अंदर फोर लोब्स होते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा सोच पाते हैं, थिंकिंग कैपेसिटी हम लोग की ज्यादा है। एनिमल थिंकिंग नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। आप सोचिए, भाई हम लोग सोचा तभी तो मोबाइल बना रहे हैं। देखिए आज आप कहाँ हम कहाँ, आज हम लोग कनेक्ट हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कभी एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन डेली हम लोग वर्चुअल बातें करते हैं फिजिकली, मतलब मान चलिए कि भाई सामने नहीं है लेकिन तरह से बातचीत हो रही है ना, क्लासेस हो रही हैं। मून पे चले गए, सोचो तो तभी तो रॉकेट बनाया, सैटेलाइट्स कैसे बना पाए, सोचा। एलिफेंट नहीं सोचा क्या? एलिफेंट फॉरेस्ट में घूम रहा है, उसी तरफ भीग रहा, एक घर भी नहीं बना पाता। और ये बर्ड्स देखिए, बर्ड्स थोड़ा दिमाग है, सोचती है। चिंपैंजी हम लोग के पास है, करीब आता हम लोग के एंसेस्टर थे, हम लोग उससे डेवलप हुए हैं। तो चिंपैंजी देखिए सोचते हैं, जो सिखाई सीख जाता है। ये बेटा बातें होती है, तो मेन ब्रेन बेस होता है, याद रखिएगा। अब बेटा हम लोग का ब्रेन केवल ऑनली, याद रखिएगा, 2.5% वर्क करता है, और आइंस्टाइन का नियर अबाउट 10% वर्क किया था। तो सोचिए, उनको हम लोग महान साइंटिस्ट बोलते हैं, वो एक बार जो बुक पढ़ ले उनको याद हो जाते थे, पेज बाई पेज, हेडिंग नंबर वर्ड सब उनको याद हो जाता था, लर्न हो जाते थे बिल्कुल, जैसे हम लोग ABCD याद है। तो उनका ब्रेन 10% वर्क करता था। और अर्थ पे जो सबसे ज्यादा अगर ब्रेन किसी का वर्क किया है तो स्वामी विवेकानंद जी का, तो स्वामी विवेकानंद जी का ब्रेन 12% बेटा वर्क करता था। ओके, चलिए खैर हम लोग सब हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम। चलिए अब ह्यूमन बात करते हैं। ह्यूमन में कितने स्टेप्स होंगे? 5 स्टेप्स, नोट करिएगा, 5 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होंगे? सेम वही स्टेप होंगे, इन जैसा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। चलिए लिख दे, इंजेशन, और क्या होगा? डाइजेशन। ओके, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और क्या होगा? एसिमिलेशन। एंड इजेशन, इजेशन का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से रिमूव होना थ्रू एनस, एनस से रिमूव होता है। देखिए ये सब बातें बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि तो सब बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, बहुत सिंपल है, तो समझ लीजिए। फर्स्ट बेटा जो स्टेप, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ कैविटी बाय द हेल्प ऑफ हैंड्स टीथ टंग। ओके, तो हैंड्स कोई जरूरी नहीं है, तो टंग और टीथ होना जरूरी है। ओके, खाना उठाई मुंह में रखिए, तो दांत उसको क्या करता है? च्यूइंग करता है, तोड़ता है उसको, और जीभ मिक्स करती सलाइवा में। अगर ये दोनों नहीं होगा तो डाइजेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ओके बेटा, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश होता है। मैंने आपको बताया था डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल में कन्वर्ट होना। आप लोग अगर नहीं याद होगा तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको इसके पहले वाला पार्ट, उसमें हम डिस्कस किए थे। डाइजेशन होने के बाद ये किससे रिलेटेड है, पहले मैं लिखते चलता हूँ आपको समझाने के लिए। ये माउथ से रिलेटेड है, माउथ कैविटी या बकल कैविटी या ओरल कैविटी, जो आप समझते हो। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? जहाँ फर्स्ट स्टेप खत्म होगा, खाना उठा के मुंह में रखा, मुंह से ही स्टार्ट हो गया डाइजेशन, यानी माउथ से लेकर के कहाँ तक? स्मॉल इंटेस्टाइन। जहां पे ये खत्म हुआ इसके बाद वाला प्रोसेस शुरू होगा, यानी एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया, जो खाना डाइजेस्ट हुआ था एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला गया, और जो खाना नहीं पच पाता वो कहाँ चला जाता है? स्मॉल के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेस वाटर होता है इस फूड में, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है कहाँ पे? लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में।
ओके, और इसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं किसके थ्रू होता है डाइजेशन, एनस के थ्रू, एनस यूएस, ओके बेटा। और एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो फूड एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें की स्ट्रक्चर होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बाल की तरह, और माइक्रोस्कोप से देखने पर वो फिंगर की तरह दिखते हैं इस तरीके से। वो फूड को एब्जॉर्ब करता है, जो डाइजेस्ट हो जाता है उसको खींच खींच के ब्लड में मिलाता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विली, ठीक है ना। तो विली प्लूरल फॉर्म है और विलाई लिखा होगा बुक में, तो उसको आप लोग सिंगुलर फॉर्म समझिएगा, तो आपको प्लूरल में लिखना है सिंगुलर में। देखिए सबसे मेन इसमें आपको डाइजेशन पढ़ना, तो चलिए मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट हेडिंग का मीनिंग क्या लिखेंगे, इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ कैविटी इज कॉल्ड एज इंजेशन। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप देखिए, फूड का बच्चों एंट्री कर जाना किसमें, माउथ कैविटी, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, यानी कि इसी को बोलते हैं इंजेशन। चलिए अब सेकेंड समझिए, डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है बड़े बड़े पार्टिकल्स का कन्वर्ट होकर के छोटे पार्टिकल में कन्वर्जन होना। देखिए आप जब फूड खाते हैं डाइजेशन में, तो फूड में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ये देखिए लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल क्या, लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, फिर हो गया बच्चों फैट्स एंड प्रोटीन। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ लीजिएगा, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, F फॉर फैट्स यानी ऑयली सब्सटेंस, और P फॉर प्रोटीन। ये इसको बेटा कन्वर्ट करना किसमें है, छोटे छोटे पार्टिकल, ये देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये देखिए ये बड़ा पार्टिकल है, ये छोटे पार्टिकल है, ये भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रोटीन भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। अब देखिए तीनों हैं क्या बेटा, तो तीनों बेटा आपके ऑर्गेनिक होते हैं, क्या है ये तीनों, कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं। इनसॉल्युबल किसमें, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, और जब इनको कन्वर्जन किया जाता है, इनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, ये देखिए छोटे छोटे बन गए, इनको कौन कन्वर्ट करता है, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इन एंजाइम्स का नेम याद करेंगे, देखिए और ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये क्या बन गया बताइए, कॉम्प्लेक्स से बन गया सिंपलर, ऑर्गेनिक से बन गया इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, इनसॉल्युबल से बन गया सॉल्युबल, है ना, ये बात समझ आई, कंपाउंड तो है ये भी लेकिन थोड़ा सिंपलर कंपाउंड बन गया, ये भी कंपाउंड होते, कितनी बात समझ में आ गई भैया सबको, ठीक। अब कन्वर्जन हो क्या रहा है तो याद जरा कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर बन जाता है ग्लूकोज, फैट बन जाता है बच्चों फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ऐसे मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों को, मैं फिर से बता देता हूँ रिवाइज हो जाए। प्रोटीन बेटा बन जाता है एमिनो एसिड, आई होप आपको कितनी बातें समझ आ गई होंगी, नोट कर लीजिए। अब देखिए डाइजेशन ही आपको पढ़ना है डीपली, डाइजेशन ही आपके सिलेबस का सबसे मेन पोर्शन इस न्यूट्रिशन का, यानी लिखिएगा स्टेप्स ऑफ डाइजेशन या स्टेप्स इन डाइजेशन को तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टेप्स इन डाइजेशन। देखिए डाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं,
कहाँ पे ये डाइजेशन होता है। देखो बेटा, फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से। डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ। कहाँ एंड हो रहा है? बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब बनते हैं। अब माउथ में एंट्री क्या करते हैं? माउथ में ये एंटर करता है। तो देखिए, माउथ से और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप इन डाइजेशन। देखिए, फर्स्ट लिखेंगे कि माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, ध्यान सुनिएगा। माउथ हेडिंग लिख देना, डाइजेशन इन माउथ। हेडिंग लिख लो सब लोग, आप लोग कंप्लीट हेडिंग लिख लीजिएगा, डाइजेशन इन माउथ। जब माउथ में होता क्या है? माउथ में देखिए ये टंग होती है, हम लोग ये देखिए टंग है, और टंग के बच्चों दोनों तरफ इधर और इधर, देखिए यहाँ पर थ्री और थ्री ग्लैंड्स यहाँ पे, इसको बेटा लोग बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। और ये क्या है? टंग है। टंग को लिखते हैं, टंग पढ़ते हैं। देखिए, तो हमारे माउथ में कितने ग्लैंड्स होते हैं? थ्री पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड। इससे बच्चों सिक्रीट क्या होता है? तो सिक्रीट करता है सलाइवा। सिक्रीट सलाइवा, जिसको आप लोग बोलते हैं लार, माउथ के अंदर जो लिक्विड होता है ना उसे सलाइवा कहते हैं। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम? भाई एंजाइम चाहिए ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एंजाइम। जब तक एंजाइम नहीं होगा तब तक ये डाइजेस्ट नहीं होगा। आप ऐसे समझिए कि एक इसको ब्रिक समझिए, ईंटा समझिए, और एंजाइम को आप एक हैमर समझिए, हथौड़ी समझिए। तो हथौड़ी से अगर एक ईंटा लेके हथौड़ी से पीटते रहिए तो क्या होगा? टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे, गिट्टी बन जाएंगे। सेम यही काम करता है, हैमर का काम करता है कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम। तो सलाइवा में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है बच्चों, याद है किसी को? देखिए इसमें होता है टाइलीन, टाइलीन एंजाइम। टाइलीन पढ़िएगा, पी साइलेंट होता है, ध्यान रखिएगा। पी क्या होगा बच्चों? साइलेंट। इसने रिप्लाई किया सलेवरी एमाइलेज। हाँ वेरी गुड, इसी का बेटा नाम है तो आना, इसी का बड़ा दूसरा नाम है सलेवरी एमाइलेज, नोट कर लीजिए सलेवरी एमाइलेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड है सलेवरी एमाइलेज। अब देखिए माउथ में मेनली किसका डाइजेशन होता है, ध्यान समझिएगा। माउथ में बच्चों जो आप स्टार्च खाते हैं ना, स्टार्च, वो बेटा कन्वर्ट कर दिया जाता है माल्टोज में। माल्टोज में बस इतना ही काम होता है माउथ में, इसके अलावा कुछ नहीं। अब स्टार्च क्या है? तो स्टार्च बेटा कार्बोहाइड्रेट है। देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, भारी भरकम है, कॉम्प्लेक्स है। और इसको बेटा लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। देखिए जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं? थ्री टाइप्स के। देखिए जो काफी भारी हो, ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हो, जैसे मान लो आपने 10,000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिया, सब मिला के एक बना दिया, तो बड़ा सा मॉलिक्यूल, तो क्या बना? स्टार्च। तो ढेर सारा ग्लूकोज है ना इसके अंदर, तो पॉलीसेकेराइड होते हैं। पॉली मैंने ढेर सारा, सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, ओके, या ग्लूकोज, ढेर सारा ग्लूकोज, ग्लूकोज समझिए। पॉली मैंने ढेर सारा, सैकेराइड मतलब ग्लूकोज, जहाँ हजारों लाखों ग्लूकोज एक साथ मिलके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। अब पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या होगा? स्टार्च। सेलुलोज भी बेटा पॉलीसेकेराइड ही होता है, याद रखिएगा। जो प्लांट सेल वॉल बनी होती है ना, वो भी पॉलीसेकेराइड से ही बनी होती है। अब ये कन्वर्ट हो क्या बन गया? माल्टोज। अब सोचिए इसमें 10,000 मतलब लाख तक इसमें ग्लूकोज है, और इसमें सिर्फ दो ग्लूकोज है। जब दो ग्लूकोज बच जाते हैं, अब सोचिए उसको तोड़ तोड़ के छोटे पार्ट में कर दिया है, इसमें सिर्फ दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बचते हैं एक साथ,
इसको ना बोलते हैं डाई सेकेराइड। डाई मतलब दो ग्लूकोज से बना हुआ। और इसको भी तोड़ देंगे तो क्या होगा बताइए, दो ग्लूकोज अलग अलग नहीं हो जाएंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज अलग अलग, उसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। यानी कार्बोहाइड्रेट के थ्री टाइप होते हैं, कौन कौन से, पॉलीसेकेराइड ढेर सारे ग्लूकोज वाला, उसको तोड़ो अगर दो दो ग्लूकोज बचा एक साथ तो उसको बोलेंगे डाई सेकेराइड। डाई मैंने दो ग्लूकोज, सेकेराइड मतलब ग्लूकोज। और इसको भी तोड़ देंगे तो ग्लूकोज इसमें जो एक साथ दो ठो हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे, सिंगल सिंगल हो जाएंगे, उसे बोलेंगे मोनोसेकेराइड। तो बताइए डाइजेशन किसमें किसमें रह जाए, सोचिए तो, पॉली का मोनो में कन्वर्ट होना, ध्यान दीजिएगा, पॉली किसमें कन्वर्ट होना, मोनो में। ओके बच्चों, यही डाइजेशन कॉम्प्लेक्स का सिंपल में। जैसे फैट किससे बना हुआ है, ये भी बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, इसमें दो पार्ट होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ढेर सारे फैटी एसिड ढेर सारे ग्लिसरॉल मिलके एक बड़ा सा बना लेते हैं स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फैट। जब उसको ब्रेक करते हैं तो सबसे सिंपलर पार्ट कौन सा निकलता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल। ओके, इस तरह प्रोटीन भी बड़े पार्टिकल होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से। जब इसको ब्रेक कर करके एकदम छोटा कर देते हैं तो एमिनो एसिड बन जाता है, यही मतलब। याद रखिएगा ये क्या है, पॉलीसेकेराइड, और ये क्या है डाइसेकेराइड। तो ये पूरा डाइजेशन ही हुआ, ध्यान दीजिएगा। डाइजेशन कब होगा, जब ग्लूकोज बनेगा, ध्यान दीजिएगा, अभी ग्लूकोज थोड़ी बना। तो माउथ में ये प्रोसेस कौन करता है बच्चों, टाइलिन एंजाइम या सिलेवरी एमाइलेज। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ लेना, सिलेवरी एमाइलेज। और माउथ में कौन सा मीडियम होता है, याद रखिएगा, हम लोग का मुंह का बेटा जो पीएच होता है ना वो लेस देन 7 होता है, यानी 3 के आसपास होता है, अप्रोक्स 3। यानी कौन सा मीडियम हो गया, एसिडिक। कौन सा मीडियम हो गया, एसिडिक। पीएच कितना है, 3 के करीब है, यानी 7 से कम है ना, 7 से कम होता पीएच तो उसे हम लोग एसिडिक कहते हैं, यानी एसिडिक। एसिडिक मीडियम में ये प्रोसेस होती है। ओके बेटा, नोट करिए, माउथ में डाइजेशन कंप्लीट। अब कितने पेयर सिलेवरी ग्लैंड होती है, याद रखिएगा 3 पेयर। और जो एनिमल्स होते हैं उसमें कितने सिलेवरी ग्लैंड होते हैं भी याद रखिएगा। जैसे मान लो रैबिट कहा जाए तो रैबिट में कितने सिलेवरी ग्लैंड होते हैं, तो 4 पेयर। यानी हर्बीवोरस एनिमल होंगे तो 4 पेयर, काउ हो गया, रैबिट हो गया, और ह्यूमन होगा तो 3 पेयर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। ट्राई कीजिए, क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। अब बताइए माउथ से फूड कहाँ जाएगा, बताइए था सब लोग, आप सबने डायग्राम बनाया होगा, माउथ था, माउथ से ऐसे पाइप बनाया था, उस पाइप को क्या कहा गया था, एसोफेगस। क्या बोलते हैं, एसोफेगस। एसोफेगस मतलब फूड पाइप, देखिए ऐसे बनाए थे ना। अब देखो मैं डायग्राम बहुत अच्छा नहीं आता, समझ लो, जैसे आपको ये देखो, ये समझ लीजिए भैया, मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूँ, ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये हो गया माउथ, कानून बना लीजिएगा, ह्यूमन समझिएगा, कोई एनिमल नहीं है ना, इन्हें किसको सांप उप समझ लो। देखो इसको ना बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप। ये जो बैग लगी स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बेटा बोलते हैं स्टमक,
स्टमक, देखिए स्टमक से ये जो पाइप तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज कॉल्ड एट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जरा इसे समझिएगा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए जो यू शेप दिख रहा है ना, यू शेप, यू शेप, ये देखिए यू शेप, इसको बेटा फर्स्ट पार्ट को कहते हैं डियोडेनम। और इसके बाद एक छोटा पार्ट यहां से लेके यहां तक, बहुत छोटा सा पार्ट है, ये देखिए यहां से यहां तक, इसको बच्चों कहा जाता है डेडुनम, सॉरी जेजुनम, जेजुनम, JEJUNUM, जेजुनम। और इसके बाद का जो पार्ट ये पूरा बच गया जो सबसे लंबा है, इसको बच्चों कहते हैं ईलियम। तो कितने पार्ट हो गए, 1 2, इसको मैं इस साइड ही लिख देता हूं, ये देखिए यहां पे समझ लीजिए जेजुनम, नहीं चलिए यहां लिखा रहने दीजिए, मैंने इसको यहां लिख दिया एक साथ। और थर्ड बड़ा पार्ट हो गया ईलियम। बेटा इन सबको एक साथ टुगेदर कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन कोई एक पार्ट नहीं है, थ्री पार्ट होते हैं, ठीक है ना। और जहां स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा खत्म होता है, फिनिश होता है, यहां से फिर देखिए स्ट्रक्चर आप अच्छे से बना लीजिए, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये देखो, ये देखिए ये स्ट्रक्चर, इसको बेटा बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के भी थ्री पार्ट होते हैं, ध्यान समझिएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन देखिए ये स्मॉल यहां खत्म हो रहा है, ये लार्ज स्टार्ट हो रहा है, यहां देखिए एक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए ऐसे करें, इसको बच्चों कहा जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये हम लोग के बॉडी में भी होता है, मेन ये फंक्शन एनिमल में करता है जो हर्बीवोरस होते हैं। बेटा इसी में ग्रास का डाइजेशन होता है, मतलब कि डाइजेशन ऑफ सेलुलोज कहाँ होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और एक ऐसा हम लोग, ये ऑर्गन हम लोग के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब फंक्शनलेस ऑर्गन। ह्यूमन में क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी फंक्शनलेस है, हम लोग में इसका कोई काम नहीं है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो घास खाते थे, हर्बीवोरस थे। इसे तो कहा जाता है कि हम लोग घोड़े से आए हुए हैं या मंकी से आए हैं, मंकी भी घास फूस खाते हैं, पपीते के पेड़ बैठते हैं पूरा खा जाते हैं पत्ते, तो उनमें एक्टिव हम लोग, हम लोगों ने खाना छोड़ दिया, हम लोग खाना बना के खाने लगे, प्रेशर कुकर में पिज्जा बर्गर खाने लगे, तो हम लोग ये काम नहीं करते। गाय भैंस बहुत डेवलप है, गाँव में गोट में सब में डेवलप है। अच्छा खैर यहाँ समझिए मैं जो बता रहा था आप लोगों को, तो ये किसका पार्ट होता है याद रखिएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, दोनों के कनेक्शन होता है, लेकिन मेनली किधर ये जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। कभी कभी क्या होता है ना, ये फूड ऐसे से आकर के आपके बॉडी का घूमते घूमते इसमें चला जाए के अंदर। अब यार ध्यान दीजिए, वर्म फॉर अपेंडिक्स में आगे कोई रास्ता तो है नहीं, यहाँ क्लोज है, और इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को डाइजेशन करता है, यहाँ भी हम लोग बॉडी में भी रहता है, लेकिन ग्रास तो है नहीं, फूड चला गया तो उसको डिकम्पोज कर देता है बैक्टीरिया, क्या करता है डिकम्पोज, सड़ा देता है, और इसमें स्वेलिंग आ जाती है, क्या जाती है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग। और स्वेलिंग बेटा जब होती है तो यहाँ पेन होना शुरू होता है। अब सोचो आपके बॉडी के किस साइड होगा, सोचिए तो, ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, सोच के बताइए सब लोग, आपका जो एब्डोमेन है पेट है उसे किस साइड होगा वर्म फॉर अपेंडिक्स,
लेफ्ट की राइट, आपके एब्डोमेन रीजन में राइट साइड होगा, आपके हाथ के राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, किस हाथ तरफ होगा सोचिए। पेट राइट होगा, वेरी गुड। तो राइट साइड होता, बहुत तेज दर्द होता, पेन होता है, और इतना दर्द होता कि इवन लोगों की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पॉइजन बनने लगता है, ये स्वेल कर जाता है, और दर्द होता तो बेटा ये बर्स्ट हो जाता है, जब बर्स्ट होता है तो पूरा पॉइजन आपके बॉडी में चला जाता है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस डिजीज को बेटा बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ध्यान दीजिएगा, अपेंडिसाइटिस। तो लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स तो पहले से ही है, देखिए क्या हो गया, आप लोग सही बोलिएगा, अपेंडिसाइटिस हो गया। डिजीज जब होगा तो क्या बोलेंगे, अपेंडिसाइटिस, ये क्या है, डिजीज है। अपेंडिक्स क्या है, ये तो ऑर्गन है, ये देखिए हो गया बेटा। आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बेटा तीन पार्ट होते हैं, यहां ध्यान दीजिए, जो ये पार्ट यहां से यहां तक, ये देखिए मैं अलग बना देता हूँ, यहाँ यहाँ समझ, जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ऐसे समझ। थोड़ा लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ तो वर्म फॉर अपेंडिक्स होता है, ये जो पार्ट है यहाँ, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इसको सीकम कहते हैं, सीकम। और यहां से यहां तक के पार्ट है, देखिए ये वर्टिकल पार्ट है, और ये देखिए जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इसको ना बोलते हैं कोलोन, कोलोन कहा जाएगा, यहां से यहां तक के पार्ट को। और ये जो लास्ट पार्ट देखिए, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये थर्ड पार्ट होता है, यहां से यहां तक बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको बच्चों बोलते हैं रेक्टम। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर फूड अनडाइजेस्टेड भाई, इंटेस्टाइन में फूड यहाँ तक डाइजेस्ट होता, जो नहीं हो पाता है वो कहाँ चला जाता है, भाई फूड ऐसे आया यहाँ डाइजेस्ट हुआ, यहाँ स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, डिओडेनम में हुआ, जेजुनम में हुआ, फिर इलियम में हुआ, ऐसे डाइजेस्ट होते 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 कहाँ तक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अगर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो लार्ज में चला जाता है, और इस लार्ज में फूड आने के बाद देखिए धीमे धीमे स्टोर कहाँ होता है, यहाँ पर आकर के। तो रेक्टम का मेन फंक्शन क्या होता है बताइए, ये बेटा स्टोर करता है किसको, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम, ये भी लिखिएगा फॉर सम टाइम, यानी स्टोर हाउस है किसके लिए है, अनडाइजेस्टेड फूड के लिए फॉर सम टाइम, और इसके बाद बेटा ये रिमूव कर दिया जाता है एनस के थ्रू। तो एनस क्या हुआ, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, क्या है पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और एनस में बेटा यहाँ पर एक रबड़ की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे हेयर बैंड होता है ना, सॉरी रबड़ जो होते हैं, जैसे नहीं आप हेयर को एक साथ पकड़ के बैंड लगा दीजिए, हेयर बैंड रबड़ जो होती है बैंड, यहाँ बेटा एक बैंड होता है इस एनस को बांध के रखता है, इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब होता है SPHINCTOR, स्फिंक्टर का मतलब बैंड लाइक स्ट्रक्चर, और इसका फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एनस, एनस कब ओपन होना चाहिए कब क्लोज होना चाहिए इस पे डिपेंड करता है। अगर एनल स्फिंक्टर को हम रिमूव कर दें एनस का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब यहाँ से फूड आएगा तो कंट्रोल नहीं होगा, बॉडी से रिमूव हो जाएगा, बातें समझ रहे हैं। एक डिजीज का आपने नाम सुना होगा, पाइल्स बोलते हैं, पाइल्स, पाइल्स बेटा एक ऐसी डिजीज होती है, अब हिंदी इसका देख लीजिएगा आपको, पाइल्स में क्या होता है ना कि ये रिमूव करना पड़ता है, रिमूव हो जाता है तो ऐसे पर्सन क्या होता है, इजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके ना भाई, रिमूवल ऑफ फूड कोई तो इजेशन बोलते हैं, इजेशन कंट्रोल नहीं कर पाते ऐसे पेशेंट, ओके।
तो चलो बेटा इतनी बात आप समझ में आ गई, हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिया, इन माउथ, सेकेंड भी लिख लें इन एसोफेगस, नोट करिए इन एसोफेगस या फूड पाइप, एसोफेगस नोट करिए, ओएसोफेगस वो होगा इसका बेटा, एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, नोट कर लीजिए, नो डाइजेशन, डाइजेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट नहीं होता है, सिक्रेट तो होता क्या बच्चों यहाँ पर, तो जब फूड माउथ से इंटर करता है, जब स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर आता है माउथ से, और यहाँ की मसल्स ना ऐसे से कांपती रहती है, ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे, जब यहाँ वाइब्रेशन होता है तो फूड नीचे पुश किया जाता है, ऐसे धीमे धीमे कहाँ चलाता है उसको, धक्का देता फूड को, तो ऐसे है फूड, तो उसको धक्का दे देकर ऐसे पुश कर करके फूड को नीचे मूव करता है, स्टमक में ले जाता है, और उस बेटा मूवमेंट कहते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट आकर, या इसको आप एक और कह सकते हैं पेरिस्टेलिसिस, ये भी नोट कर लीजिए, पेरिस्टेलिसिस स्पेलिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा, कहाँ लिखे एस आई एस TERISTALYSIS, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट कहिए या पेरिस्टेलिसिस कहिए, बात एक ही, और क्या करता है फूड को मूव करता है, धक्का देता है उसे स्टमक में इंटर कर दे, तो एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, केवल फूड यहाँ से पाइप, फूड पाइप के थ्रू या एसोफेगस के थ्रू, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, के थ्रू स्टमक में पहुंचाया जाता है, पैसेज प्रोवाइड किया जाता है, ओके, पहुंचाने का काम कौन करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टेलिसिस, कहाँ होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मूवमेंट अकर्स इन मसल्स ऑफ फूड पाइप, नोट कर लीजिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर इन एसोफेगस, मसल्स ऑफ एसोफेगस, तो आई होप बेटा आप लोग को इतनी बातें आज समझ में आ गई होगी, और कल हम लोग इसके आगे बेटा डिस्कस करेंगे, रिप्लाई कीजिए, सबको कंफर्म हो गया लेक्चर आज का, कोई डाउट तो नहीं, श्रेया फीस ज्यादा नहीं रखा आप लोग के लिए, चलिए मैं अब ये अब लेक्चर में रिकॉर्डेड लेक्चर है ना तो यहाँ बात नहीं, चलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे बात कर लूंगा, ठीक बेटा, ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए घर पर, एक कल हम लोग कल सैटरडे ना, देखिए अगर टाइम मिलेगा तो कल आप लोग पढ़ा दें, क्योंकि एक दिन क्लास नहीं हो पाई थी, हम कोशिश करेंगे कल पढ़ा दें या संडे को, ओके बेटा, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, दैट्स ऑल, वेलकम बेटा।